पशुओं का जिक्र, पशुओं की फिक्र, पशु पालक मंच यूट्यूब चैनल पर अजय विंद्र होली की तरफ था सारे भाई ने राम राम भाई। और आज पहुंचे गाँव इक्कीस जला जींद में, और भाई एक जान्या मान्या गांव है, एक अलग पहचान रही भाई इस गांव की। भाई कबड्डी की टीम बहुत बढ़िया रही है, और आज की वीडियो में कुछ ना कुछ आपने नॉलेज जरूर मिलेगी। राम राम भाई साहब। राम राम भैया जी, आपने और आपके जो व्यूवर्स हैं उनने आदाब सत श्री अकाल। राम राम भाई साहब। और ठीक हो भाई साहब? ठीक ठाक भाई, सुख मौज है जमा, सुख मौज परमात्मा की मौज। तो भाई अपना गांव है इक्कीस, इक्कीस जिला जींद, डिस्ट्रिक्ट जींद। अच्छा भाई, जींद है इसार रोड पे पहला गांव भाई, पहला गांव है। और भाई घर भी उस रोड पे अपना घर है, घर भाई बुरवाला मोड़ ब्रेकर पे घर है। इक्कीस का मेरे ख्याल महाभारत में भी जिक्र है। महाभारत में भाई, महाभारत का अंत हमारा गांव में हो रहा है भाई। अच्छा, जो अपने दुर्योधन जी थे वाले, उनका आखिरी मतलब वो उनको आड़े ढूंढा गया था इक्कीस में भाई। अच्छा भाई, इक्कीस दिन में वो पाए थे, उसे चीज तमारा गांव का नाम इक्कीस इक्कीस पड़ा है। अच्छा। और पाप कांत कह लो, महाभारत कांत हमारा गांव में हो रहा है भाई। गांव में हो रहा है भाई, तो कहने का मतलब आड़ा आके सारे झगड़े खत्म हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, है कि नहीं? बिल्कुल। तो भाई गांव भी सा है अपना, सुख शांति का, जमा ठंडा खेड़ा भाई, मारा वर्गा खेड़ा सबका हुआ भाई। बहुत अच्छी बात है भाई। देखो यह चीज हमने भी देखी भाई, बैठक में भाई के लगभग 10-12 बालक बैठे थे भाई, लाड प्यार है आपस में भाई, 36 बिरादरी का क्लास भाई। ये इबी भी आड़े हैं, दिखा दे जसबीर सारे बालकन है। और यो मोहित भाई का प्यार प्रेम है, क्योंकि आज दुनिया स्ट्रेस में है भाई, फोन में कोई गेम खेलन लाग रहा है, कोई कुछ करन लाग रहा है, कुछ ये दुनिया बोले इंडिया का अपना गेम बतान लग गया क्या ना, लूडो ने, लूडो ने है जुपी ऐप के है वहां। तो अपने को ना ये अपने को नहीं, अपने तो अपने नहीं थे, अपने तो कबड्डी कुश्ती ये चीज है भाई, लोकल गेम भाई, अपने जो धरातल पर है वो उन्हें तो जिंदा रहे इसका। तो पशुपालन में फोन पे भी न्यू कथा अजय भाई सीसी जानकारी दूंगा। दुनिया आज के टाइम न्यू कहे भाई, हमी से पशु रखा, हमी से पशु रखे हैं, तो आज उसके बारे में बताओ भाई, क्या पशु है और किस तरह का पशुपालन में मोहित काम है अपना भाई? 6-7 तो डांगर है भाई। अच्छा भाई, और खुद के जमा घर के डांगर है, घर की जो माले पुराना खरना है उसके डांगर है। अच्छा, अपनी घर की प्योद है सारी की सारी है भाई। अच्छा, सारे अपने मेहनत डांगर तैयार कर रखे हैं, ना किसी के ले आ, ना कोई बेची, ना मारा धंधा भाई, मामले आ बेची का करा, व्यापारी लेने वाला कुछ नहीं भाई, अपना शौक है, मेहनत करा हा, डांगर है भाई अपने, ठीक परमात्मा की दार। अच्छा, तो सारे का जो बताओगे कौन से सीमन की है, के दूध की? हाँ, जमा एक रेट जमा 100 की 100, झूठी दुकानदारी को नहीं भाई, सात का है रोला, हर जबान का रोला हुआ है, हर गाम राम बैठे हैं भाई, बैठे चुबर अरे है कहने का मतलब है मोहित भाई का, वीडियो इसी बनवाऊंगा, इसी बात वीडियो में बताऊंगा। कल ने मेरे गांव में कोई भी बैठ के ना बैठक में वीडियो मारी, देखे थे न्यू ना, कहला देख रहा मोहित कितनी झूठ आ गया ना को नहीं भाई, है कि नहीं? वे बात बताऊंगे कि लोगों ने भाई जमा साची बताई, अरे भाई काट भी रखा इतना दूध दिन की मैच ने। पहले नंबर पे या भैंस एक भाई, इसकी जानकारी ले लेंगे भाई ने, बहुत बढ़िया अच्छी सेहत की तैयार कर रखी है, बढ़िया पशु तकरीबन आग गई से रिजल्ट है जो एलएनएम में बन रहे हैं। दो एक इसकी है भाई, एक मारा बड़ी मैच थी दो उसकी है, एक बेची है भाई उसकी है। और यह कौन सी की है कि माँ भी अपने घर आई थी? इसकी माँ मारा थी, लेकिन वह हमारे बुआ है, यू भाई बैठा है, इसकी बुआ है, यू नरवाड़ा का गांव कौन सा है, कितना दूध काटा था की माँ के तले था, 17-17.5 ईसा था फर्स्ट टाइमर का ना, दूसरे टोटल हाँ। दूसरे तीसरे मतलब उन्हें 17-17.5 किलो का दिया है। हाँ, बिल्कुल। तो भाई इसकी बता डिटेल, कौन से ब्यात में ब्याह हो गया? या चौथे ब्यात में भाई। अच्छा, कद बॉडी वेट अडर आप देख लियो भाई, चौथे ब्यात में है या ये प्रेग्नेंट हो रही है। हमारा गांव में सिकंदर का जोटा है भाई। अच्छा जी, सिकंदर एलडीएफ लक्ष्मी डेयरी फार्म अपने गांव में उसका जोटा है, उसका जोटा है, उस जोटा का रिकॉर्ड है, उसकी मां ने 23 किलो दूध रामरा अस्पताल में काट रखा भाई, खेड़ा हुआ मैस है। अच्छा, रामरा खेड़ा जी, काला के मैस बंदरी है उसका, वो जोटा भाई बहुत तकड़े रिजल्ट है। मैं कहूँ भाई एक नंबर के काट लो, हमें बढ़िया काट लो, सरेगे फिर डायरेक्ट क्रॉसिंग करवा रखे क्रॉसिंग भाई। क्या आप भी चाहते हैं अपने पशु की बड़ी लेवटी
तो देर किस बात की है, आज से ही अपने पशु को राइट टच पिलाना शुरू कर दो ताकि आपके पशु की लेवटी बड़ी हो और वो सुंदर दिखाई दे। और इसको आप 10 ml रोटी पे चौपड़ के खिला सको। राइट एच ने आप हरेक दवाइयां की दुकान पे और ऑनलाइन भी खरीद, और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं आप 7890042000। के फीस ले हो भाई, डायरेक्ट करो भाई, पल्ला 500000 दा ही बाजार कर रहे हैं भाई, 1000 रुपए कर रहे हैं, रिजल्ट बढ़िया लग रहे हैं भाई, मेहनत करे था अगले इतने बने भी हैं भाई साहब, क्यों दो दो तीन तीन सिमना तो जागे ना पशु रख रुक के हर उड़ जागा, अगर आप अंदाजा लाओ है तो 2-3 हजार रुपया ही के हो जाए, बिल्कुल हो जाए भाई, है कि नहीं। तो भाई इसने अपना खरकी ने कितना दूध काट रखा फर्स्ट टाइमर ने? खरकी इसका था 14-14 किलो करीब था, 14 हो 15 हो शायद था, इसका ध्यान कर इंटरेस्ट आ गया अभी। अच्छा दो साल तक इंटरेस्ट ले रहे हो भाई जी, पहले मंदीप पे भाई संभाल रहा था, संभाल रहा था बेबे और थी भाई, वहां संभाल ले रही। अच्छा भाई, तो फिर मोहित तेनू बता भाई दूसरे ब्याह तुम्हें कितना काट डे? दूसरा मैं था इसका होगा करीब करीब 18 के करीब भाई, 18 किलो फर्स्ट टाइमर था, 14-14 हाँ। दूसरे में 18 के करीब करीब था भाई, हाँ। करीब करीब था भाई, हाँ, हाँ। क्योंकि अपना दूध दाद बेचने का काम नहीं था भाई, नो है बस एक आदि हमारे जो मेरे चाचे ताऊ हैं उनसे मैं इसलिए ले रहे उन तक दे दे, सही बात है। फिर तीसरे में कितना कड्डा भाई? तीसरे में 21.5 किलो दूध है भाई। अच्छा, सारे मतलब को 20 जने ने इसकी धार काट रखी है भाई। अच्छा, बैठ के मान ले मेरा वर्गानी हो बुढ़ी, हमारी बुढ़ी हो रही है, आइए रे काटिए, तो सारे भाइया ने काट रखे, सारे टोटली जोन से धारा हो सारे ने काट। तीसरे ब्यात में भाई इसने काट रखे 21.5 किलो भाई, हां 21.5 किलो। इव जनवन चौथे ब्यात में ब्याह हो गया, ओरिजिनल चौथा ब्यात भाई, सरकार ने दुनिया सरकार मां भी सरकार इधर तीसरा भी का इधर को नहीं कही जानदे कुछ, सही बात लेनी देनी आओ करी बोली हुई, सही बात भाई, पाप का भागी ना होना, एक झूठ आदमी अगर स्वार्थ में बोल रहा है तो उसका कितने ना कितने घना दंड भरना पड़ा है, लकोनी पड़ा है, फिर गणी बोलनी पड़ा यार, वहां फिर याद नहीं रहती बोली हुई, दापण खातर और झूठ बोलनी पड़ा है, झूठा तो भी भूलिया करे या सच्चाई, या सच्चाई है पहचान पाओगे कि ये गए तो कहूं भाई, ये वीडियो खत्म हुए पाछा चुटकुला सुनाऊंगा भाई ने, बताऊंगा झूठे आदमी की किसा के हिसाब किताब यार झूठेगा। 21.5 किलो तीसरे ब्याह तो मैं काट रही है, ईब या सिकंदर का बेटा है भाई, उसकी माँ का 23 किलो कुछ ग्राम का दूध रिकॉर्ड है, और उस तरह डायरेक्ट क्रॉसिंग करवा रखी है, कई दिन रह गए भाई बहन के इसके भाई, डेट तो होली इसकी। अच्छा, पिछली बारी भी इन्हें 9-10 दिन ऊपर ले थे, और शायद वो है कंडीशन इसका है, लेवेगी 1-2 दिन और ले लेगी, तो ये ऊपर चल रहा है टाइम इसका, हाँ, ऊपर चल रहा है, 1-2 दिन ऊपर ले ले भाई, हाँ। तो देखो कद कट्ठी की है, मीडियम सेहत की है, बतेरी बढ़िया ठाडी है, अच्छी ठाडी है। तो भाई इसका सेल करने का विचार है अपना? बेच दे भाई ये बाल फलाल तो ले है मन में। अच्छा जी, गुटड़ी ले आई फिर भी चलो कर दे सेल की, कोई दिक्कत नहीं है भाई, क्योंकि मेरा के है एक या चीज भी मन अलग लग गया, अगर है कई भाई नु कहा करे बोले क्या बनने तो बेच देंगे, और बोले काट डी लिया फिर कतिया टाल है ना, कोई टाल नहीं, बस मन मारी है तो भाई बेचा भी गे। एक या चीज मोहित थोड़ी अलग ही नहीं है, अरे भाई जब आप इतनी बाट देखोगे या काटड़ी दे देगी तो ना ही बेचूं, तो फिर ब्याह पाछे बेच दिए, ब्याह पाछे बेच दिए अगल से, फिर तो इन्हें ब्याह पाछे सेल कर दिए, एक तो आप न्यू भी कहो बोले काटड़ी ले आई तो करोड़गी भी नहीं दूं, और आज मैं बोले आज मैं इतने की दे दूंगा, फिर तो आपने बाट देखनी चाहिए ब्याह की। तो भाई का कहने का मतलब है आज बकेगी आज भी बेच देंगे, और ब्याह पाछे बकेगी ब्याह पाछे ही बेच देंगे, देन इसके लिए है पूरे हो, और इतना टाइम ही करा गया बाकी धारागी की शिक्षा भाई, तीन तीन रात भी उठना उठना भाई, जमानो वो हेलीकॉप्टर नहीं लैंडिंग करा दूर दूर क्यों कर बाजा बाल्टी जर जर जमानो धड़ाके ही धार है जमानो, न्यू काजू कर हेलीकॉप्टर जर जर कर आ रहा ना, न्यू बाल्टी बज जाएगी इसकी, बढ़िया धार है कुल मिला, एक नंबर बैठना उठना भाई, फिर न्यू बता दे भाई, क्योंकि मैंने आज उम्मीद है कई वीडियो में मैंने थोड़ी बहस करनी पड़े, अगर अग भाई रेट गणा है थोड़े जायज मांग ले गलत मोल कर रहा है, मोहिते आपकी बात तो थोड़ा अंदाजा लाया है भाई, लग गया है अग भाई बेचने वाला एक बार में रेट मांग लेगा और जायज रेट मांग लेगा, तो भाई इसका बेचने वाला रेट बता दे, एक मोल बता दे भाई इतने रुपया की आप इसने सेल करांगे, इस तक घाट में अपना पड़ता भी नहीं आवेगा, तो वो मोल बता दे इतने रुपये बेचेंगे मोल, मेरे भाई देख डांगर वीडियो में देख जाए यार देखनी है, बताते हैं बाकी हमारी जबान तो भी कह दिया भाई, सही बात है भाई, ठीक है भाई, इसका रेट है 2,90,000 रुपये भाई, 2,90,000 रुपये, हाँ भाई, और भाई 21.5 किलो तीसरे ब्यात में जनवन दूध काट रही है। अच्छा, एक आज बीच में डाटो भाई ने, हाँ जी मतलब इब के
या जो मान ली पोजीशन बना रही है नहीं, इसी पोजीशन इसने पिछले ब्याता पे नहीं बनाई थी भाई, ज्यादा उम्मीद है रियल में भाई। इब के दूध की है 23-23 किलो की उम्मीद, जमा खुली हुई, जमा खुली भाई। दे भाई पशु आपके सामने है, सारी डिटेल भाई ने जैनों ने बताई है। पहले ब्याते और भाई जुन से बुल तब प्रेग्नेंट है, अच्छी नस्ल का बुल है उस तब प्रेग्नेंट है, डायरेक्ट क्रॉसिंग है। और भाई ने जो रेट बताया है इस मौके का और इसकी डिटेल के हिसाब से तो रेट मने भी जायजा लग गया भाई, 2,90,000 रुपये की। इसी वैसा ही मैंने वीडियो बनाई है भाई, देखी है रे वे के में दे। 18 किलो मैसे इसी से आगे 18 किलो कमान को 18 किलो दूध लगता, 18 किलो टेम का उसमें मुतिया घुंजा हुआ इसी से डांगरा के मांग ले 18 किलो गलत 18 कह दे यार, हंगा लागे मालक का भी लागे भाई, अरे डांगर का भी लागे। सही बात है भाई, देख ग्यापन का दूध बताती है ना, पहली बात तो आदमी ने न्यू सोचनी चाहिए भाई, ब्याह पाचा तू झूठा पा जाएगा ग्यापन का। बिल्कुल भाई सही बात है तेरी, नहीं बोला बेशरम आदमी ना फर्क ना पड़ता, समझदार ना छोटी बात भी फील करनी पड़ जाए सर, माड़ा टाइम किसे का ना होता ही, मतलब जजने ही वकील करना पड़ता है। बेशरम आदमी जिसका भाई सारी आणु ना झूठे झूठे उसके मुंह लाग रही हो तो बोल लेगा। चीज और है भाई, जिसका चौथा ब्यांत है भाई, लेवटी करने लखाव है तो पीछे की तरफ का डल लाग रही है अच्छी भाई, धारा की सुथरी है। 2,90,000 रुपये भाई ने इसका मोल कराया है, मान सम्मान के कुछ है इसमें भी, मान सम्मान तो सुन ले तने आड़े मारा व्यवहार देख के बेरा भी लाग गया होगा। हाँ जी, अरे भाई आया मानस का मान सम्मान होगा, चाहे कोई हो चाहे ऊँ भी आ जाए भाई उसका भी हो मान सम्मान, तो आया ना चाह पानी तो पियावा। हाँ सही बात, वो मान सम्मान ने मा यार मान सम्मान जिला के बढ़िया डाल जो भाई होगा। अच्छा, जिस हिसाब का उस हिसाब से करते हैं भाई, ब्याह पाछे भी ये रेट होंगे, ये रेट है बच्चा दूध तो लेके ले जाओ चाहे पहला ले जाओ चाहे कितने ले जाओ, बाकी इतने का। हाँ भाई 23 किलो की जमा परमात्मा ने चाहे सीधा 23 किलो सीधा 23 का डेगी तो 2,90,000 रुपये मोल करे मोहित भाई ने इसका। तो एक या कटड़ी और लिया था भाई, एक भाई हाँ या सच्चे भैया है मारा लाडा नाम है इसका, रोजनी रोजनी हाँ या पीसी 575 की कटड़ी है भाई, इसकी माँ ही बेचिया हमने तीसरे ब्यात में, दूसरे ब्यात में इसकी माँ ने 17 किलो दूध का जाना हुआ सेकंड टाइमर में। हाँ, तो वह बेचे भाई को डेढ़ महीना पहला 2,00,000 रुपया की बेची थी ग्यापन। रोजनी का कद काठी भी अच्छी बढ़िया भाई, सुथरी कटड़ी है भाई, गर्दन देखो जो मुर्रा में कैरेक्टर ढूंढा रहे लोग, लंबी गर्दन होनी चाहिए, अच्छी कद काठी की है। कैदात से भैया या दो तोड़ के दो तो इसके आ लिया, चौथा ही तैयारी में भैया, बीच में गड़बड़ हो गई थी इसके। अच्छा हाँ, नहीं प्रेग्नेंट होली भाई भी है। हाँ, इब ढाई महीने प्रेग्नेंट है। फिलहाल कौन से बोलते कराइया या भी उसे सिकंदर वाला है। अच्छा, या भी डायरेक्ट अंदर लाइन है भैया सारी। अच्छा, डायरेक्ट क्रॉसिंग करवा रखी है, डायरेक्ट क्रॉसिंग भाई। तो भाई इसने बेचोगे के घर पे रखनी है, तो भाई नगिन नहीं है, रीबे नहीं बेचनी है, सेल नहीं करने हैं। तो अगली लाइए भाई जी मोहित भाई, एक बात बताओ, आजकल वीडियो देखो आप तकरीबन देखो भाई, मारी भी और भैया की देखते हो, बिल्कुल सबकी। तो पशुपालन में कितने ना कितने मन थोड़ी चीज गलत लग गया रहा, जो पशु के ऊपर आदमी डेढ़ डेढ़ दो दो लाख रुपया मांगा वो गलत चीज है। अब भाई होता ही इतने का उसके ऊपर मांग लिए 2,00,000 रुपया, अच्छा है ऊपर धरका मांगे ये गलत है भाई, जमा सारे आम गलत है, गलत है, लेनी देनी है इस वीडियो आगा भाई। अजय मैं एक बात बताऊं, जो सबसे बड़ा फायदा हुआ है एक किसान नाम है जो भी होया है माले मार वर्ग के भैया ने जी, तो उसका ये होया भाई, ये जो पूंजी नहीं मरे अर्धी व्यवहार खराब कर रखे है वह चीज बंद होगी। अच्छा जी, हाँ, नकदा नकदी के काम हो गए भाई, नकदा नकदी दम के सौदे हो गए भाई, पहले पीछे मर जाया करते। और एक भाई नु कहे भाई की देख लो टिकट ले लो, टूम है भाई। अच्छा जी, इसका टूम है, टूम में कौन सी टूम है भाई, या गड़सरी है भाई, गड़सरी है भाई, टूम है इसका, टूम का कारण दे रखे भाई। हाँ जी, या इतनी तकड़ी बिल्डर लाइन की कटड़ी है रियल में, जिन टेमा लोग 13-13 किलो दूध ने नवासा में ला दे ली, जब इसकी माँ ने 23-23 किलो दूध काट रखे थे, वो फोटो ला गया भाई एक बार नहीं कम से कम 3 बार। अच्छा जी, और खुद या M466 की बेटी है, कौन से सन की बात सही है जो दूध काट रहा है, कौन से मैं थी ये पेट क्यों करबांगा कर रही है, बारह में भाई इसकी टांग टूट गई भैया, दो बार टूटी मान ले या हमारे भाग में थी रहेगी भाई, रहेगी अपना भाई, ठीक है। इसकी पहला टांग टूटी नाले में पड़ गई भाई, फिर इसका इलाज कराया सारे भारत के मामतों में, बैदान लिया, बैदान लिया थे भैया, सही यार ठीक करनी है, फिर दोबारा होगी, फिर ट्रक आला भगा गया भाई। क्या डिटेल है भाई साहब इसकी, वैसे इसकी दो दांत है भाई, कुरुक्षेत्र आला मेले की तैयारी कर रहे थे, दो दांत में मखा भाई ने लेके जावा, फिर उड़े दो दांत की शायद कैटेगरी नहीं थी भाई। अच्छा, दो और चार इकट्ठी कर रखी होंगी, जो भी था मामना भाई के जुम्मन लाई थी, वो बोला मोहित को नहीं बनाई, इसके है 15 किलो
200 ग्राम हमने तोलिया था भाई। अच्छा, दो दांत का लंगड़ी का। और या भाई, या उसे की बेबे है भाई, उसे की और इसकी माँ का मैंने बता दिया 23 किलो अपना HLD भाई में रिकॉर्ड है भाई। या कैदा तोली भाई, या दो दांत तोड़े भाई इसने। इसका नाम लाडा, नाम है झैज। इसके सिंग नू जार दे फिर परमात्मा ने आप पे मुड़ दी। ला भाई नाम भी मोहित है ना, छट छट के। अच्छा, या भी अरवा भी एक कमा की है दोनों? एक के मा की है, या कटड़े की उसकी है भाई। वाह, दो दांत हो रही है। ना ना, वाह चार होगी, दो दांत ब्याली थी। अच्छा, वो तो मैं थोड़ा असमंजस में पड़ गया यार, मगर न्यू क्यों कर। नहीं नहीं नहीं, तो मगा मैं समझ गया भाई, तू थोड़ा वो हो गया, मिस ट्विंस डिलीवरी हुई है तो मगा। अच्छा, या भाई छोटी है वह बड्डी है? हाँ वह बड्डी है भैया, छोटी। अच्छा जी, तो इसकी क्या डिटेल? हाँ जी, टाइम भाई जी, या 5 बिल्लियां की होगी भाई, छठे में लगी है। अच्छा, कौन से बुल की है यार? बुल की मैं इस बुले का जिक्र करूंगा भाई, और शायद ये जो अपने देखनी है वो कहोगे भाई के बात करो नितेश मुने छेड़िए। या नो लाले मेरे भाई, गंगा टेढ़ी गांव है। हाँ, अड़ेवा के पास है, उस गांव में 85 बुल है। हमारे गांव में हजार है भाई वो कटना, गंगा टेढ़ी। शायद हमने वो भाई वीडियो बनाई थी, नहीं मिला था भाई गंगा टेढ़ी। वो कटड़ा जतन मान ले जाए, देखे कई साल होली जब वो जोटा ठीक ठाक आलाता में होगा नी, ये जो जतन कैमरा पाया गया, ये जो से बड़े बड़े नू को नी मारे बोल नू नू, वो सारे ने तड़े गिड़ा है भाई। जो मतलब ये भाई सुंदरता देखा हूं, सब क्या ने गिड़ दिया भाई, इतना तकड़ा जोटा है, बहुत तकड़ा जोटा, जम्मा तकड़ा है। उसकी बेटी है या है? या उसकी बेटी है भाई, प्रेग्नेंट कोशिश करवाई भी है, प्रेग्नेंट इसे सिकंदर है, सिकंदर लाइन। तो कुल मिला के यो जो कौन से काम, राम राम है जोटा है जो? ना हमारे गांव में भाई। अच्छा, राम राम खेड़े आपके गांव में जो जोटा है उस तक डायरेक्ट क्रॉसिंग लगभग 3 पशु अपने दौरे में? तीन, हाँ तीन चार, सारी है उसकी रड़ी हुई है भाई। अच्छा जी, चार क्रॉसिंग इसकी। और बताइए भाई, उस जोटा का दोनों से गाइब जिक्र कर रहे हैं ना, मैं सिकंदर वाला बेटे का, उसका रिजल्ट है भाई। इसका नाम है पोर्स। पोर्स है? हाँ, इसका नाम में भी लॉजिक है भाई। क्या लॉजिक है भाई साहब? लॉजिक नो है भाई, सिकंदर लाइन का हो गया। हाँ, पोर्स एक वो राजा था जिसने सिकंदर को हराया था, सिकंदर ने पूरी दुनिया जीत ली थी। हाँ, पूरी दुनिया जीत ली थी। हाँ, योद्धा था, एक योद्धा था। हाँ जी, उसने सिकंदर को हराया था। सिकंदर को भाई, पोर्स जो अपना योद्धा थे उनने सिकंदर भी हरा दिया था, जो न्यू कहे बोला कदे हारा ही ना था, उसको भी हरा दिया था। तो इसका पोर्स नाम नो अटैक है, मामनो नहीं कहते भाई, सिकंदर तो जीतता है, लेकिन भाई इसमें पोर्स बनना पड़ेगा, पोर्स बनना पड़ेगा भाई। देखे न्यू नाम धरे था इव जिस त्रिया भाई, मेरे बाबू ने न्यू धरे था छोरा कदे किसी तो हारा ही कोने, आज नाम धर दे, इका मतलब यो है। पर भाई ना मेरा पटता जिसे कर्म करे, कर्म करे तो जीतता चलिया जा, और भाई उल्टे कर्म करे तो हारता ही चलिया जाएगा। यह चीज तो है भाई, पोरस नाम धर दिया भाई ने, बहुत सोच समझ के नाम धरया, सोच के धरया था, पर मने में थे भाई पोरस नाम पे का कटड़ा जान दिया था। तैयार करोगे फिर इसने भाई? मेरे से तैयार हो रहा है भाई, कि मैंने अपना नॉर्मल दूध दाद छोटा दो के बिने, और सही है भाई, हम मार दे साल साल भर के कटड़वा ने, पांच पांच बिने के बना के ओड़ा खड़े करा भाई रिंगा में। हां हां, पूरा होया यो काम में। हां हां, मैं जब न्यू कोई ना लोटे नून गिर दे आते बाज के 130 बच्चे की जगह भी सर है गे। हां वो है तो बताऊं भाई, तो देख भाई आपा दूसरे ने भाई मान बतावा, तो उससे पहले अपनी भी खुद की ईमानदारी झाकना पड़ेगा भाई, अपनी ईमानदारी भी जरूरी है भाई जी। तो ये भाई पोरस की उम्र कितनी बताई भाई? 5 महीने का हो गया भाई। 5 महीने का हो गया, डांगरा कहना पूरा टाइम दे भाई, जम्मा पूरा दे भाई। चलो भाई बहुत अच्छी बात है मोहित भाई, एक जैसा देखे जागरूकता बहुत जरूरी है, जैसा आपका रुझान है ना वैसा ही आप जिस तरह भाई बल्ड लाइन भी अच्छी ले रहे हो, और भाई जागरूकता के साथ काम कर लग रहे हो, इसे इसे भाई गाँव है काम करें, पशुपालन का काम माड़ा कौन है भाई? भाई हाल फिलहाल तो माड़ा नहीं, ठीक है, अगर करे तो परमात्मा मेहर रखे तो गलत से ना ना माड़ा नहीं भाई। मैंने कहूँ कई बार पछका है नहीं करते, हम भी कह रहे जो IPL देखे आ रहते ना वे शिल्लू का मैच देखने लगे थे, कबड्डी है बिल्कुल लिया दिया बस, हो रहा ना दौर लिया दिया। अरे इवनू को तू अपने आप पर पढ़ाई कर, मारे वीडियो देख कई भगवान की दाता, ऐसे ऐसे मानस आ गए जिनका पशुओं का कोई लेना देना ना। इब मैं तने बड़ी खुशी हुई हमने भी इस चीज में, इस वीडियो में दो भाई है, दो चार भाई है, मैं लाऊंगा तने युवा है भाई सारे। अच्छा जी, मतलब बेहंत ज्यादा शौक है भाई ने, बहुत अच्छी बात है भाई, पशुओं का शौक होना चाहिए। बल्ला एक बार इसकी बताओ डिटेल भाई। अच्छा यह है भाई, चार दांत तो यह भी आ गई थी भाई। अच्छा खरक है। अच्छा मित्र, या इब 6 दांत होगी फिलहाल। हाँ, इसने 17 लाले ऊपर ला छोड़ दे तू, 17। अच्छा। किलो दूध मारा काट रखे भाई यार, इस जोटी पे जितने गाह आए थे नहीं, मन ने मेरी लाइफ में इस जोटी इतने गाह के आए कौन देखे भाई, बेची कौन यार, बेची कौन भाई, मारा मन कौन भरा, पीछे लागे खूब बढ़िया जमा, घने तो घने के रुपये लागे, घने तो घने इसके लागे थे भाई 2-10 2,10,000 रुपये। ले भाई मोहित
आपकी बात में एक सच्चाई जल के है ना, तो भी कह दे है बल्ला के देगा 8 लाख पर हमने दी को न्या, मगर 8 लाख की दौर के कसर रहेगी एग्जाम 2-10 लाख दे जे हूं चलतरी बात काट दी मैंने। बस इसमें लाले लोग कह दे हैं भाई किलो कद काठी की भी बढ़िया है भाई, अच्छी है। तो फिर सेल करनी है क्या? ना ना कौन करनी या कौन करनी सेल करनी है भैया एकमात्र या भैंस जो भाई ने दिखा दी है और इसका मोल बता दिया 2,90,000 रुपये भाई। क्या आप भी अपने कटड़ू को करना चाहते हैं जवान? तो उसका एक ही है समाधान, राइट कफ। तो रोजाना अपने कटड़ू को राइट कफ 20 ml पिलाएं और उसको वजनदार और स्वस्थ बनाएं। और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आप 7890042000। 2,90,000 रुपये जिसने सेल करांगे और जितने भी पशु हैं तकरीबन भाई नस्ल पर काम कर रहा है, साथ के साथ ये युवा भाई बैठा इन्हें भी ज्ञान देता रहा कर भैया। कौन कौन से शौक बताओ था? हमारा बड़ा भाई है भाई मेवा, राम राम जी। हरियाणा में इसने सारे जानते होंगे। अच्छा जी, यू इंस्पेक्टर टायर है भाई, रोडवेज मत है, यू वो मानस है जिसने चलती बस डटुआ के डांगर देखे है। अच्छा जी, हाँ। ले भाई इंस्पेक्टर साहब ने वो शौक से पशुओं का चलती बस रखो आगन है। हाँ, तो मारी जाओ, इसके पसंद आएगी तो बस अरमन मन ने धार देख ले तो फिर सवारी करती है। हाँ, धारा का टाइम हो रहा है तो दूध देख के चल गाड़ी आगे भाई। जमा बेहद ज्यादा शौक है भाई सारे बाल का। जमा और सुनो एक और बात बताऊंगा, उन्होंने कहा आरा दुगरी बाल बूल काट रहे मामले वीडियो बनवानी है। इन भाइयों के डंगर देख लिए, सारे के बाल बूल कटे, नहाए धोए सुतरे, बेसिंग चलो मैं दूध पीवे थोड़ा पर, लेकिन काम कराएंगे तो ब्रीड ने भी सुधारा है भाई। देखिए एक चीज बताऊं मां, आपने नुकाया करे पहले संगत का असर पड़ा करता, नुकारते भाई माँ बाबू नुकारते तू फलाने दौरे मत बैठा कर। हाँ, वो छोरा ठीक नहीं था ना, बिगाड़ देगा। इब जुगर मोहित भाई दौरे ये बालक बैठे हैं और पशुओं की ये बात चल रहे हैं घर के भी नुक है जाबू जाऊ ना कि मैं पशु मोर सुधार कर ना इतने तो कोनी भाई ये रे वो पुड़िया तो इन पे मारो पुड़िया कोनी पुड़िया का मतलब नहीं नहीं समझे नहीं लेकिन नु है भाई देख ठीक डांगर है भाइयों के भी यार मारे भी भाई उन्होंने कहते माम सरा है ये तो फलाना है लेकिन ठीक ठाक डांगर है भाइयों ने भी शौक है। हाँ नू है भाई किसे भाई के डांगर के दिक्कत है उसके गेल खड़े हुए तो यह चीज कहना चाह रहा था मैं। यही होना चाहिए। क्या नाम भाई तेरा? हिमांशु नाम भाई। हिमांशु कौन सी क्लास में भाई? मैं बीए सेकंड ईयर में हूँ भाई। कौन से कॉलेज में? मैम डी यू रोहतक था भाई। एम डी यू रोहतक था भाई। या जड़ की जड़ मरे यारे ना भाई, मैं बस ओपन तले रहा हूँ भाई। अच्छा ओपन तले रहा हूँ भाई। चलो बढ़िया। क्या पशु अपने घर? अपना भाई 2 महीस है, एक बछिया है। अच्छा यू भाई हुआ क्या है? मोहित अक्स है भी शौक पशु ना शौक है भाई। कितना अक्स है? पूरा शौक है भाई, पूरा है भाई। हाँ भाई चलो छोटे भाई ला गया मेहनत करी इस लाइन में बहुत स्कोप आज के टाइम में भाई। राम राम। राम राम। क्या नाम भाई अपना? मोनू। मोनू अपना क्या पशु भाई? अपना 2 है। 2 है। न्यूआ शौक से भाई। हाँ शौक है भाई। चलो बढ़िया भाई। यार बैठक में भी टाइम सारे भाई इकट्ठा दे हैं, जोड़ पे भी इकट्ठे रहे हैं और भाई पशुपालन की बात चल रही है इनके बीच में, तो इसी सी बैठक तो भाई बैठक में बैठ जाया करो, जरूरी है। फोन ना तो दूरी बनेगी आपस में भाईचारा बढ़ेगा। राम राम भाई। राम राम भाई। क्या नाम भाई अपना? मेरा नितेश भाई। नितेश भाई कौन सी क्लास में पढ़ा है? मैं बीए सेकंड ईयर में। सेकंड ईयर में है तू? बारी कर लेट चल रही है। लेट चल रही है। पहल हो गया था? ना 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 बीच में छोड़ दी थी, कोचिंग काचिंग लेने लग गए थे, फिर लिया एडमिशन। किधर लिया भाई? उरा एमडीयू में। एमडीयू में गोड कॉलेज। अच्छा गोड कॉलेज रोहतक है। यू तो न्यू ना है ना जसबीर जींद भाई पास के आसपास ही माता दरवाजे दे रहे हैं, रोज जाओ भाई ना उसका है ओपन है। चलो बहुत अच्छी बात है भाई। ला भाई वीडियो भी होली कंप्लीट है और ये बालक भी बता गया भाई हम इतने पढ़ रहे हैं, अरे पढ़न लग रहे हैं। मोहित तो आज हमने पूछिए को नहीं भाई, मोहित अपना के कुछ क्वालिफिकेशन? पढ़ाई लिखाई नो है भाई, बीए करी 17 नंबर आता भाई। कितने परसेंट थे मेरे भाई? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के 50% बहुत गणे। बहुत गणे हो भाई उड़े तो लोगा की न्यू मान ले सब लग रहा है भाई उड़े। अच्छा भाई फिर जेबीटी करी भाई? अच्छा जी हां, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से आपने करी बीए फिर जेबीटी? हाँ। और फिर करके सी टेट करया, वो हो गया एच टेट रह गया। एच टेट रह गया। हाँ, रह गया। चलो कोई ना भाई, देख मेहनत भाई ने बहुत करी है और देखो आज भी अपने हिम्मत ना आ रही है, मजे ले रहा है जिंदगी का, सुमुख छोरा है।
सारी अनटेंशन फ्री रहे, टेंशन में नहीं रहना। टेंशन भड़के को नहीं भाई, मां दोरे डाल के क्या लम परमात्मा। हां ये काम होना चाहिए। बढ़िया पशु तैयार कर रखे हैं भाई ने। फोन नंबर के मोहित अपना, फोन नंबर 7876737100 भाई। हिंदी में और बता दे भैया। 7873 7100। ये नंबर है भाई साहब 9496694409 यो आपका नंबर है। हाँ। यो मोल जो भाई ने मांगे यो फिक्स है 2,90,000। हाँ, जमा जायज मांग रखे भाई ने। अच्छा, सही मांग रखे। बोल बतला अपनी पूरे हाँ, परिवार की भाई इतने रुपया में देनी है। हाँ। बिल्कुल भाई। तो भाई आप भी अपने कमेंट में जरूर आए दियो आज की वीडियो किसी लगी, और भाई ने बहुत अच्छी अच्छी बात बताई है। रेट भी लगभग जायज है मेरे हिसाब से भी। बाकी आप हमारे लिए बोला जनता जनार्दन है भाई, जनार्दन भाई लोग, नहीं लोकतंत्र में सराय करती। हाँ, तो आप अपना कमेंट के हिसाब से जरूर राय दियो। राम राम सारे ने। राम राम।